उद्धार पाई आउ 4 मीटर रही। उत्तरकाशी सुडंगरु श्रमिक को उद्धार पाई आउ किछि घंटार समय लागिबो। गत काली ठु जदियो उद्धार कार्य व्यापक आउ जोरदार होइछि किंतु एबे आहुरी समय लागिबो बोली पीएमओ रो पूर्वतन परामर्शदाता भास्कर कुलबे कहिछंती। उद्धार कार्य रे एनडीआरएफ टीम मध्य सामिल होइछंती। एनडीआरएफ डीजी कहिछंती ड्रिलिंग काम शेष हेबा परे यथा शीघ्र तांकु बाहर को आनिबा पई समय प्रस्तुति शेष होइछि बोली से कहिछंती। 41 जीवन बंचेबा पई उद्धारकारी दल जो लगाई देइछंती मोट 57 मीटर ड्रिल करिबा पई थिबा बेले एबे सुद्धा 48 मीटर अधिक ड्रिल होइथिबा नै सूचना मिलिछि। आउ मात्र 12 मीटर पथर खंड खोलिबा पई प्रयास जारी रही। 12 दिन पर बंद सुडंगरु बाहर 41 श्रमिक एथपाई सब प्रस्तुति सरी श्रमिक को उद्धार पाई घटनास्थल 40 आंबुलांस मुतयन होती। गैस मास्क स्ट्रेचर एवं 15 जनिया डाक्तरी दल घटनास्थल सजाग अच्छा सबकि प्रस्तुति चूड़ा पर्यायर that 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लैटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में वो सामने आ गया था। उसको उस वहाँ पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहाँ से साफ कर चुके हैं। जो पाइप है अगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएं। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। ए तमाम संक्रांत अधिक आलोचना करिबा आम प्रतिनिधि अनुदास सामिल होती। अनुज आउ 4 मीटर दूरता जो प्रतीक्षित मुहूर्त को अपेक्षा करिछंती सारा देशवासी एवं जहाँ प्रशासन पक्षर कहुच्छे आहुरी 8 रु 10 घंटा समय लग पारे। अनेपटे मेडिकल टीम पूरा प्रस्तुत रही श्रमिक को तुरंत हस्पिटाल पहुँचवा ट्रिटमेंट करे एवं भावुंट आज राति सुधा ये जो अपरेसन सर ज्योति जदि आम देखा गत काली एक आकलन कराऊ गत काली राति सुधा बा आज सकाल सुधा उद्धार कर श्रमिक को कि बर्तमान जो अपडेट दबाई चाहिए कि किसी पूर्व आम प्रशासनिक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सहित कथा हो सी कह कथा कि जो भाई खनन प्रक्रिया चलता लगुता कि खूब शीघ्र श्रमिक उद्धार कर जो उद्धार कार्य बाधा सृष्टि कारण जो जगह ड्रिलिंग कराला से किसी लुहार आयरन और पलि से जगार एवं खनन प्रक्रिया बंद रही किसी समय पर्यटन खनन प्रक्रिया बंद रो भाव में ड्रिलिंग कराला से प्रक्रिया को मध्य बंद रखी आउ किसी समय पर पुणी आउ थे ड्रिलिंग प्रक्रिया आरंभ हम तो पखापाखी कहुच्छे कि 6 रु 7 घंटा 8 घंटा लग जाए श्रमिकों को उद्धार करने से बाहर करने कि जदि गत काल कथ देखा गत काली सामान लगुता कि खूब जल्दी खूब शीघ्र स्ट्रेचर रु से अणाही प्रथम एनडीएफ जवान जी से गोटे पर गोटे श्रमिक को लेकिन आसपे कितु ता बर्तमान सुधा स्पष्ट होना बर्तमान जहाँ अपडेट कि एबि आहरी अनेक समय लगे कारण एवं भी ड्रिलिंग अटकी अच्छी किसी समय चलो कितु किसी समय पूर्व जो भाव में पुष्कर सिंह धामी श्रमिकों सहित कथा होते वाकी टोकी मध्यम से गोटे गोटे श्रमिकों सहित कथ होते स्पष्ट भाव में कहते कि आप भय करूँ ना ये रेस्क्यू टीम रही उद्धारकारी टीम रही खूब शीघ्र आपको बाहर करूँ बाहर जमी आप सूचना दूसरे एम्बुलेंस व्यवस्था अच्छी कि सही बाहर संगे संगे एम्बुलेंस डाक्तखाना को नहीं आज प्रत्येक श्रमिकों पर गोटे गोटे एम्बुलेंस रखा जाइए से सीधा सड़क भाव में निकटस्थ डाक्तखाना को नहीं आज कहार कौन कौन समस्या अच्छे से चिकित्सा चलो कितु बर्तमान जहाँ अपडेट कि ये उद्धार कार्य समय जी गढ़ुच्छी लोक मनरे
ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି କେଉଁ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସେଠି ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଲେବର ଅଫିସର ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତରକାଶୀର ଏସ୍ପି ଅର୍ପଣ ଯଦୁବଂଶୀ ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସକାଳେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତିକି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଆଉ ଯେତିକି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ହେଇନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ କି ଯେଉଁ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଆମେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ୱାକିଟକିରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ କି କିଭଳି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି 2 ଜଣ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରିବେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ NDRF କଥା କୁହନ୍ତୁ, SDRF କଥା କୁହନ୍ତୁ, BRO କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ NHIDCL ଯିଏ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ଟନେଲ ରହିଛି, ଟନେଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୂଜକ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଅନବରତ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେ ବିଦେଶରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଭିତରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ପୂର୍ବେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାଇପ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ସେ ଆସିବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା ଆଉ ଏକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଏବେ ଡ୍ରିଲିଂ ବନ୍ଦ ରହିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ରିଲିଂ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ 12 ଦିନ ଲାଗିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଜ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।